हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज हम सब लाए हैं एक मैजिकल फंक्शन। मैजिकल फंक्शन का क्या नाम है? फ्लैश फिल। सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। जस्ट मैं एक्सेल को ओपन कर किया हूँ। लास्ट वीडियो में हम सब क्या सीखे थे? टेक्स फंक्शन सीखे थे। तो आज हम सब सीखेंगे फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या है? फ्लैश फिल है टेक्स फंक्शन का एक अपडेट वर्सन। हम सब बोल सकते हैं टेक्स फंक्शन है ओल्ड वर्सन और फ्लैश फिल है एक न्यू वर्सन। तो टेक्स फंक्शन में जो काम किए थे वही काम आज हम सब करेंगे फ्लैश फिल का थ्रू, वो भी कोई फॉर्मूला बिना। तो फॉर्मूला बिना करेंगे, इसीलिए हम सब फ्लैश फिल को क्या बोलते हैं? अपडेट वर्सन। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं फ्लैश फिल कहां पर रहता है। डेटा में जाइएगा, डेटा में आपको मिलेगा फ्लैश फिल। देख सकते हैं यहां पर है फ्लैश फिल। इसका शॉर्टकट की एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस ई। तो आज सीखने का टॉपिक है फ्लैश फिल। मैं एक बार लिख देता हूं, आज हम सब क्या सीखेंगे? फ्लैश फिल सीखना है। इसका शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस ई, फ्लैश फिल का शॉर्टकट की। तो आज हम सब फ्लैश फिल को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट फंक्शन से जो काम किए थे वही हम सब फ्लैश फिल से भी कर सकता हूँ, बट विदाउट फंक्शन लगा के। इससे पहले ट्रिम जो यहाँ पर देख सकते हैं एक से स्पेस लिखा हुआ है, इसको ठीक कैसे किए थे? ट्रिम फंक्शन लगा के। बट आज हम सब कोई फंक्शन टंक्शन नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हम सब कर देंगे। जो ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है, इसीलिए हम सब फ्लैश फिल को क्या क्या बोलते हैं? फ्लैश फिल को बोलते हैं एक मैजिकल फंक्शन। देखिए एक बार सिर्फ कंप्यूटर को बोलना है आपको क्या चाहिए। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर को, मुझे सचिन तेंदुलकर मुझे ऐसे लिखना है, मतलब मुझे कोई एक्सेस स्पेस नहीं चाहिए। जस्ट मैं एक स्पेस चाहिए, सिर्फ एक स्पेस दे दिया हूँ। मशीन को बोल रहा हूँ मुझे ऐसा चाहिए। सिर्फ कर्सर को आप यहाँ पर रख दीजिए। अभी क्या करना है? कंट्रोल प्लस ई। जब यहाँ से आप कंट्रोल प्लस ई करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली हो गया है ना, कोई ट्रिम फंक्शन नहीं लगाए बट ऑटोमेटिकली मशीन कर दिया। तो यही है हम लोग का फ्लैश फिल। कोई फंक्शन को याद रखने का जरूरत नहीं है, विदाउट फंक्शन हम सब फ्लैश फिल का थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए हम सब बोल रहे हैं बार बार इसको मैजिकल फंक्शन। देख रहे हैं ना, वन टाइप ऑफ मैजिक जैसे ही काम कर रहा है। सिर्फ आप पुट कीजिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए आप लिखिए, पास एक बार कंट्रोल प्लस ई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ट्रिम का काम कर दिया है। अभी देखते हैं लोअर फंक्शन। हाँ, फ्लैश फिल का एक रेस्ट्रिक्शन भी है। फ्लैश फिल का क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या कमी है? इसका ना हमेशा लेफ्ट साइड में डेटा होना चाहिए। मानिए ये लोअर फंक्शन मुझे करना है एक स्टेप छोड़ के, मतलब एक घर में नहीं करना, यहाँ पर लोअर फंक्शन स्मॉल करना है, एक कैपिटल को स्मॉल करना है, बट कर नहीं पाएगा फ्लैश फिल, कारण इसका लेफ्ट साइड में कोई डेटा नहीं है। तो हमेशा इसका बगल में लेफ्ट साइड में डेटा होना जरूरी है, तभी फ्लैश फिल काम करता है। जो भी है, देखिए टेक्स्ट फंक्शन से जो जो काम किए थे फ्लैश फिल का थ्रू, हम सब फटाफट वही काम कर लेते हैं। जैसे क्या सीखे थे? लोअर फंक्शन सीखे थे स्मॉल करने के लिए। तो एक बार मशीन को बोल दिए मुझे स्मॉल करना है, एक बार कर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर कर्सर को रख के क्या करना है कंट्रोल प्लस ई। देखिए ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई नहीं कर रहा है तो कोई नहीं, सिलेक्शन करके एक बार कंट्रोल प्लस ई कर दीजिए, फिर भी काम करेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन करके भी कंट्रोल प्लस ई कर सकते हैं, नहीं तो एक बार यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई करने से भी सपोर्ट करता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा सिलेक्शन कर दीजिए, कंट्रोल प्लस ई कर दीजिए, फिर भी काम करेगा। देखिए आप पार अभी जो स्मॉल हो गया, इसको हम सब बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए एक बार मशीन को बोलिए मुझे बड़ा करना है, मैंने कैश में लिखना है। एक बार मशीन को बोलिए मुझे ऐसे ही लिखना है सचिन तेंदुलकर, बट स्पेलिंग को सही से लिखिएगा तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल प्लस ई कर दीजिए, बस हो गया। देख रहे हैं स्क्रीन में भी देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस ई कर रहा हूं तभी आ रहा है ना, एकदम इजी है। सिर्फ एक बार आपको क्या चाहिए वही लिखना है। यहाँ पर देखिए मुझे चाहिए सचिन, पॉपर में चाहिए सचिन तेंदुलकर, पॉपर में मैं लिख दिया हूं। अभी क्या करना है? कंट्रोल प्लस ई करना है। देखिए हो गया कंट्रोल प्लस ई, ओके। तो टेक्स्ट फंक्शन में हम सब यही सीखे थे। तो बट फ्लैश फिल से कोई फंक्शन के याद रखने का जरूरत नहीं है, फिर भी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्लैश फिल से हम कर सकते हैं। और एक चीज देखिए, अभी यही चीज ना यहाँ से ना मुझे कॉपी करके, यहाँ से कंट्रोल सी करके डेटा को कॉपी करके ना मैं मुझे यहाँ पर लाना है,
मुझे यहाँ पर लाना है, कंट्रोल भी करना है। देखिए कंट्रोल भी कर रहा हूं तो हो चुका है, ठीक है ना, कंट्रोल भी किया हूं तो पेस्ट हो चुका है, तो हो गया, अच्छा बात है। अभी हम सब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और क्या सीखे थे, लेफ्ट राइट ये सब भी सीखे थे, ये सब भी थोड़ा देख लेते काम करता है कि नहीं। क्लास फिल से मानिए मुझे लेफ्ट साइड से तीन तीन लेटर चाहिए, तो ऐसे सी कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, देखिए सिलेक्शन करके कंट्रोल ई कर दीजिए, देखिए दे रहा है कि नहीं, तो कंट्रोल प्लस ई कर दीजिए, देखिए तीन लेटर यहाँ से पिक कर रहा है, मतलब क्लास फिल काम कर रहा है ना। तो लेफ्ट फंक्शन का भी काम कर रहा है, इसमें देखिए लेफ्ट फंक्शन भी, लेफ्ट फंक्शन से भी एडवांस काम करेगा। देखिए हमें ना मुझे चाहिए, मुझे चाहिए इसी फंक्शन, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें फास्ट नेम चाहिए, इससे क्या चाहिए फास्ट नेम, देखिए हम सब यहाँ पर लिख रहे हैं सचिन, फास्ट नेम लिख दिए। अभी देखिए कंट्रोल प्लस ई कर रहा हूँ, देखिए सबका फास्ट नेम आ चुका है, जो लेफ्ट फंक्शन कर नहीं पाएगा, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जितना कैरेक्टर चाहिए उतना लिखिएगा सबको उतना ही आएगा, बट इसमें तो और एडवांस है, मुझे यहाँ से फास्ट नेम पिक करना है, तो हम सब फास्ट नेम सबका पिक कर दीजिए। देखिए इसमें सचिन का 6 है, विराट का 5 है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्लास फिल, देखिए एमएस धोनी का एमएस तो 2 है फास्ट नेम में, फिर भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसमें हम सब राइट साइड से भी ले सकते हैं, राइट साइड मतलब सार नेम चाहिए, आप लिख दीजिए सार नेम, तेंदुलकर लिख दीजिए, देखिए अभी सिलेक्शन करके भाई यहाँ पर कंट्रोल ई कर दीजिए, देखिए कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन करके कंट्रोल ई कर दीजिए फिर भी सपोर्ट कर लेगा, देखिए अभी सार नेम आ चुका है सबका सार नेम, मतलब हम सब बातों बातों में क्या कर दिए, लिखा को ना तोड़ दिए, लिखा को ब्रेक कर दिए, सचिन को एक कलम में डाल दिए और तेंदुलकर हमारे सार नेम को अलग कलम में डाल दिए, ठीक है ना, इसी लेखा को हम सब ब्रेक कर दिए। और एक क्या सीखे थे, कॉन्केटिनेट सीखे थे, हमारे लेखा को ज्वाइन करना, यहाँ पर भी आपको लेखा को ज्वाइन कर सकते हैं आप, अभी तो हम सब लेखा को तोड़ दिए, अभी हम सब ज्वाइन भी कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर सी मशीन को बोलना है एक बार मुझे ज्वाइन करना है, ये दोनों को ज्वाइन करना है एक सेल में, बस सिलेक्शन करके कंट्रोल ई कर दीजिएगा, देखिए सब ज्वाइन हो गया, सब ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, इसमें और एडवांस काम कर रहा है, इससे पहले कॉन्केटिनेट हम सब जोड़े थे, बट उसमें क्या ना एकदम जोड़ जोड़ दिया, उसमें स्पेस नहीं दिया था, बट अभी देख सकते हैं इसमें स्पेस भी दे दिया, जोड़ भी दिए प्लस एक स्पेस भी दे दिया, तो यही है बहुत एडवांस लेवल का काम करता है। अभी देखिए लेन फंक्शन, हाँ लेन फंक्शन का आंसर प्लस फिल दे नहीं पाएगा, ये तो टेक्स्ट फंक्शन से ही होना चाहिए, लेन फंक्शन यूज करोगे तभी ये बोल पाएगा, तो ये फंक्शन ये काम नहीं कर पाएगा, सबका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, प्लस पॉइंट भी है, ऐसे ही प्लस फिल का भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, लेन फंक्शन का आंसर दे नहीं पाएगा, बाकी सब काम कर सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना ये भी कर देगा, ये भी फंक्शन कर देता है, रिप्लेस भी कर देता है। देखिए उससे पहले मैं क्या बोला बोले थे, इसको एक बार बगल में होना चाहिए, बगल में जो लिखा है ना डेटा एकदम बगल में होना चाहिए, मतलब साइड में होना चाहिए, माने लेन फंक्शन में हम सब लिख दिए, अभी इसी को रिप्लेस करना, रिप्लेस मानो हम सब तेंदुलकर है ना, इसको हम सब नाम को सरनेम को चेंज कर रहे हैं, सचिन गांगुली कर दे, गांगुली कर दिए, अभी इसको सिलेक्शन करके जब भी कंट्रोल ई करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल ई करोगे तो सब गांगुली में रिप्लेस हो गया। तो एक प्लस फिल से हम तो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फंक्शन से जो काम है मोटा मोटी सब कुछ कर सकते हैं, और एडवांस लेवल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है प्लस फिल का, टेक्स्ट फंक्शन का जो अभी मैं बोले थे टेक्स्ट फंक्शन का अपडेट वर्सन है, क्यों बोले थे अपडेट वर्सन तो आप सबको पता ही चल गया होगा, विदाउट फंक्शन लगा के हम सब काम कर दिए, जो टेक्स्ट फंक्शन में किए थे वही काम कर दिए विदाउट फंक्शन लगा के, सिर्फ कंट्रोल प्लस ई। अभी हम सब सीखना है प्लस फिल से, और प्लस फिल को काम में कैसे लगाएंगे, ऑफिस में जो काम होता है ना उसको कैसे लगाएंगे, देखिए मैं दो तीन डेमो बना के रखे हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, ठीक है, अभी क्या बोला रिवर्स करने के लिए, जो नाम है ना रिवर्स मतलब सार नेम पहले और फर्स्ट नेम लास्ट में, इसको रिवर्स, तो प्लस फिल से क्या रिवर्स करना संभव है, एक बार देख लेते हैं प्लस फिल से रिवर्स करना संभव है कि नहीं। देखिए तेंदुलकर कर दिए, अभी कर देते हैं सचिन, ठीक है, इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल ई कर दीजिए, देखिए कर पा रहा है कि नहीं, देखिए एकदम कर दिया, देखिए सबका सार नेम फर्स्ट में आ चुका है और फर्स्ट नेम लास्ट में आ गया है, तो हम सब रिवर्स भी कर सकते हैं, तो कभी जरूरत पड़ गया तो ऐसे रिवर्स करना तो एक एक करके तो संभव नहीं है, तो किसको याद करेंगे, प्लस फिल मैजिकल फंक्शन, बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत मैजिक टाइप का काम करता है। देखिए और एक एग्जाम्पल में जा रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल जितना देंगे तभी आप सबको पता चल जाएगा हाँ ये कैसे काम कर रहा है। देखिए अभी ऐसे नाम लिखा हुआ है, अभी बोला है हाउ टू एड एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, सॉरी एक्स्ट्रा टेक्स्ट,
इसमें एक्स्ट्रा टेक्स कैसे ऐड करेंगे। सपोज मानो ये पूरा लिखा है ना, कोई बोल दिया सर सबका आगे मिस्टर लगाओ, अभी एक एक करके मिस्टर लगाओगे तो बहुत दिन लग जाएगा, अभी 2000 डेटा होगा तो संभव नहीं होता है, बट इससे संभव होता है। देखिए मिस्टर कर दिए, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, स्पेलिंग सही से लिखिएगा बस, और कुछ नहीं, सिलेक्शन करो कंट्रोल प्लस ई करो, देखो सबका आगे मिस्टर लग चुका है, एट ए सेकेंड हम सब कर दिया, ठीक है ना। इसमें और कभी मानिए आपका ऐसा जरूरत पड़ गया, अभी कोई बोल दिया अच्छा सर ने मिस्टर तेंदुलकर मिस्टर कोहली ऐसा लिखना है, तो आप फ्लैश फिल सबसे कर सकते हो, वही करना मिस्टर मुझे क्या चाहिए तेंदुलकर, तेंदुलकर कर दिए, अभी सिलेक्शन करके क्या करना है कंट्रोल ई, जब भी कर दिएगा देखिए ऑटोमेटिकली सारनेम का मिस्टर कोहली, मिस्टर धवन, मिस्टर गंभीर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर धोनी, कितना सुंदर इजिली हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो मैजिक जैसा काम कर रहा है। यही काम को ऐसे आप दिमाग लगाओगे तो मैनुअली लगाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यही है फ्लैश फिल का कमाल। देखिए और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो सबसे बेस्ट कमाल है मेरे हिसाब से, देखिए ये ऑफिस में काम में लगता है। मानिए कोई ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, वहां पर 2000 एम्प्लॉय है, अभी बॉस बोल दी बुलाए एक ईमेल आईडी, तो एक ईमेल आईडी बनाओ, क्रिएट यूनिक ईमेल आईडी, सबके लिए एक ईमेल आईडी चाहिए मुझे, आप ईमेल आईडी यूनिक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए, ऐसा बना के दो, ठीक है ना। अभी देखिए नाम का साथ साथ मैं डीओबी क्यों लिया हूँ, क्योंकि नाम देखिए ऑफिस में क्या होता है ना, शेखर धवन हो सकता है, दो शेखर धवन ऑफिस में आ गया है, ठीक है ना, ऑफिस का स्टाफ हो ही सकता है, तो उसमें क्या होगा यूनिक नहीं बनेगा, इसीलिए हम सब क्या किए डीओबी भी डाल दिए, डीओबी मतलब वो बंदा का नाम सेम हो सकता है बट डीओबी तो सेम नहीं होगा, इसीलिए हम सब डीओबी भी डाल दिए। तो ये सबको मिला के जब एक ईमेल आईडी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली यूनिक ईमेल आईडी बन जाएगा। देखिए हम सब बना रहे हैं सब, देखिए ये बहुत ही मजेदार चीज है और ऑफिस में तो बहुत काम में आता है, देखिए कितना सुंदर करके मैं बना रहा हूँ, ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल में कर रहा हूँ, सचिन जैसे ईमेल आईडी स्मॉल में ही होता है, सचिन अंडरस्कोर कर दीजिए, जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं सचिन तेंदुलकर बना लिए, अभी डीओबी भी डाल दीजिए 13/8/1990 पूरा ही डाल दीजिए, ठीक है, @ आपका कोई कंपनी का कोई साइट नेम है तो आप दे सकते हो, या जीमेल है तो जीमेल से बोला गया तो जीमेल भी बना सकते हो, जो है जो आप देना चाहते हैं, जैसे मानो मेरा लर्न बाय टेनर का एक साइट का दे देता हूँ LBT, ठीक है LBT कर दिया, लर्न बाय टेनर कर दिया हूँ, .in कर देते हैं, लर्न बाय टेनर .in, ठीक है एंटर कर देते हैं। और ईमेल आईडी देखिए, ईमेल आईडी तो जैसे होता है लिंक होता है, इसीलिए लिंक जैसा आ चुका है, अभी ऐसा ही ईमेल आईडी मुझे बनाना है, देखिए सिलेक्शन करके अभी क्या करना है, इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल ई कर दीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं, क्रिएट हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल ई, देखिए ऑटोमेटिकली सब ईमेल आईडी बन चुका है, एक बार ध्यान से देखिए विराट कोहली @ आज जो डीओबी है डीओबी भी आ चुका है @lbt.in, जो आपका साइट है जो जैसे बोला है बॉस ऐसे ही आपका साइट का नाम दे दीजिए, gmail.com है तो gmail.com कर दीजिए, मैं मेरा साइट का कर दिया हूँ, तो जैसा है देखिए ऑटोमेटिकली बन चुका है, मुझे एक एक करके बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी यूनिक ईमेल आईडी हम सब एट ए सेकेंड क्रिएट कर दिए, आपका मानिए 2000-5000 ऐसा डेटा है तो आप सब ऑफिस में एट ए सेकेंड क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है फ्लैश फिल का कमाल, आज हम सब फ्लैश फिल का पूरा A to Z कंप्लीट कर दिए, फ्लैश फिल टेक्स्ट फंक्शन जैसे काम करता है और फ्लैश फिल हम सब काम में कैसे लगाते हैं, 3-4 एग्जांपल दे दिया हूँ काम में ऐसे लगाते हैं, आशा करते हैं गाइस आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। तो फ्लैश फिल क्या है, मैजिकल मैजिकल जो बोलते हैं मैजिकल फंक्शन, तो आप सबको पता ही चल गया होगा क्यों मैजिकल फंक्शन बोल रहे हैं, ओके तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ, ओके गाइस आप सब अपना ख्याल